नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार की अनदेखी के कारण जादू की कला हो रही है विलुप्त, यह बात जादूगर अजय अजूबा ने विशाल पैलेस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण धीरे धीरे जादू की कला समाप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि वह जादू के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या रोकने, नशा रोकने तथा अपने माता पिता की सेवा करने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई है, हम निरंतर इसका अभ्यास करते रहते हैं जिस कारण लोगों को हमारी हाथ की सफाई जादू प्रतीत होती है। उन्होंने सामाजिक संदेश देते हुए कहा कि यह हाथ की सफाई है, इसे जादू टोना न समझा जाए। जादू एक प्रकार से विज्ञान है, इसे आध्यात्म के साथ और अन्य चीजों के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे अंधविश्वास फैलता है और यह एक किला अंधविश्वास के रूप में फैलती चली जाएगी। लोग इन पे विश्वास करना बंद कर देंगे, इसलिए जादू को मंत्र सिद्धि की बजाय एक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। और यह एक हाथ की सफाई है, निरंतर इसका अभ्यास करके कोई भी जादूगर बन सकता है। आप देख रहे हैं काला वाली पल पल से विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। उसी को देखते हुए हमने मैजिक सीखा। लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, इनकी बातों में न आए। आपने कहा भ्रूण हत्या रोकते हो, आप दहेज रोकते हो, जैसे नशा रोक रहे हो, उस तरह किस तरीके से आप संदेश दे रहे हो लोगों में? सर, हमारे पास ऐसे मैजिक हैं जो हम दिखाते हैं और उनके बाद हम उनको संदेश देते हैं लोगों को कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, आप तो सभी स्टेटों में जाते हैं, सरकार की ओर से जादूगर के लिए, कलाकार के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन आपको दिया जा रहा हो? सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैजिक बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार से कि इसके थोड़ा हमारे को प्रोत्साहन मिले और थोड़ा हमारे को प्रॉफिट मिले। देखते ही देखते प्लग झपकते ही गायब करते हैं वो, इस बेगा को हम भाई के यहाँ से निकालते हैं अंदर से और ये बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई है और हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। लोग इसका भ्रम ना पालें कि साधु संतों के धोखे में ना आए, बस।